लगातार 1975 में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान था। जब इमरजेंसी लगी थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुवाहाटी और बिहार के अंदर लाख लाख की संख्या के अंदर ये जो अपना इमरजेंसी लगी थी उसको हटवाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। उस समय जो सरकार थी उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए घबराते हुए इमरजेंसी को हटाया था। तो ऐसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपके समाज में रहके बहुत से काम करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक ही मोटो है, राष्ट्र हित में राष्ट्र के पूर्ण निर्माण के लिए काम करना। हमारे तीन जो हमारे मोटो हैं, ज्ञान शील एकता। ज्ञान का मतलब जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आपको यहाँ पे अभी मंच पर देखने को मिलेगा, कोई राजनीतिक बंदा नहीं होगा, कार्यक्रम खुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के है। भारत माँ की जय जय गान, जय भारत जय हिंदुस्तान, छात्र शक्ति भारत की शान, शिक्षा परिसर में गरिमा में, पांच नहीं अब आने पाए, देश प्रेम और जन सेवा हो, शिक्षा का अंतिम परिणाम, जय भारत जय हिंदुस्तान, छात्र शक्ति भारत की शान, राष्ट्रगान और राष्ट्र पताका, राष्ट्रवाद जन की आकाशा। धन्यवाद।
में दयानंद जी को नितेश जी आप सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां। प्रदेश मंत्री पूर्व में अभी हमारे बीच में जोरदार तालियों से स्वागत करें गिड़गिड़ा रहा है। एक समय था कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री
जा रहा था कि पाकिस्तान ने ये किया ये किया, लेकिन मित्रों आज आप सब जानते हैं पाकिस्तान को दुनिया के समक्ष गिर गिराने के लिए मजबूर करने का काम इस देश की सेना के कारण हुआ है। और आज पाकिस्तान 50 बार सोचता है कि भारत के अंदर घुसपैठ की जाए या नहीं की जाए। इस प्रकार का सेना के पराक्रम के कारण एक बहुत बड़ा देश की इमेज में पूरी दुनिया के समक्ष चेंज आया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिक भी हर क्षेत्र में पराक्रम कर रहे हैं। 104 सैटेलाइट एक साथ भेज करके अंतरिक्ष में इस देश के वैज्ञानिकों ने एक अलग प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये काम दुनिया के किसी भी वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, इसलिए इस देश के वैज्ञानिकों को यदि आप सबको अभिनंदन करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको होनी चाहिए, एक फिल्म के बजट से भी कम खर्च में इस देश के वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे, ऐसा कीर्तिमान दुनिया के वैज्ञानिकों ने। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने 80 सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करते हुए इस देश के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम पूरी दुनिया के समक्ष रोशन किया। ऐसा करने वाला, अंतरिक्ष के अंदर ही मिसाइल को मार गिराने वाला हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित करते हुए आज भारत चौथे स्थान पर खड़ा है। आज यह चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आज भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अग्रसर हो गया है। आज पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है, दुनिया को स्वस्थ रहना है, दुनिया को मिलकर के जीना है। दुनिया में अगर शांति चाहिए तो योग चाहिए, इसलिए जो योग के ऊपर लोग फंसते थे आज इस देश की वर्तमान की सरकार के कारण, वर्तमान प्रधानमंत्री के कारण और जो एक मजबूत सरकार हम सब ने मिलकर के इस देश को दी, उसके कारण आज पूरी दुनिया योग को अडॉप्ट कर रहा है और योग के कारण पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। यह मैसेज भी भारत के विचार के कारण पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का मंत्र इस देश के लोग है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर के लोग अध्यात्म के लिए भारत की भूमि में आ रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी के नेतृत्व में सैकड़ों देशों से लोग भारत में आ रहे हैं और मिलकर के मानवता के साथ कैसे जिया जा सकता है, ये शिक्षा भी भारत से पूरी दुनिया ले रही है। यानी हर क्षेत्र में भारत आज पूरी दुनिया का नेतृत्व से दूर हटाया है, इसलिए हमारे को केसरी और बाजीराव मस्तानी देखना पड़ती है। मित्रों जब हम भारत के अतीत को ठीक से जानेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस देश का सामान्य जनमानस, इस देश का छात्र, इस देश की छात्रा अभी जितने प्रकार की भी समस्या इस देश के अंदर है उन समस्याओं को चुटकी के साथ दूर कर देगी, क्योंकि हमारा जो इतिहास जो गौरव का इतिहास है, हमारा जो इतिहास जो ज्ञान का इतिहास है, हमारा जो इतिहास जो संस्कार का इतिहास है, हमारा जो इतिहास जो धैर्य का इतिहास है और वही व्यक्ति प्रश्न का विचार है। आज कई प्रकार की समस्या है, तथाकथित उच्च जाति और नीच जाति के लोग एक मंदिर में आदमी प्रवेश नहीं करते, एक कुएं से आदमी पानी नहीं भरते, एक शमशान में आदमी मुर्दा नहीं जलाते, ऐसे ऐसे कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की कुरीतियां आज भी हमारे देश में विराजमान है। ऐसे सभी प्रकार की कुरीतियों का समापन कैसे हो, इन कुरीतियों को रंग बदल के कार्यक्रमों के माध्यम से कैसे दूर किया जाए ताकि हमारे देश के अंदर षड्यंत्र के तहत कोई संघर्ष का वातावरण निर्माण करना करे, इस प्रकार के छुआछूत को दूर करने के लिए भी आज के कार्यक्रम में हमारे को संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज भी हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किस प्रकार से
पत्थर फेंकते हैं तो उनको समर्थन करने वाले लोग इस देश के अंदर खड़ा होते हैं। ऐसे लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस देश की सेवा का अपमान करते हैं उनसे प्रश्न पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? जो भारत के टुकड़ों में इस प्रकार के नारे लगाते हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े होते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपके पास आते हैं उनसे इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछने चाहिए कि आप इस देश की सेना के साथ हैं या पत्थरबाजों के साथ हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं या इस देश के सामान्य जनमानस की सोच के साथ हैं, आप इस भारत की मिट्टी के साथ। पुरानी बात याद आ जाती है जब लाल मेघालय ने 2 फरवरी 1835 को जिस प्रकार की अपनी संसद है उसमें हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड की संसद में खड़ा होकर कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष को 6 महीने तक पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण घूमा हूं, मैंने भारत में घरों पर ताले लगे हुए नहीं देखे, कोई चोर नहीं दिखाई दिया, कोई भिखारी नहीं दिखाई दिया, कोई बेरोजगार दिखाई नहीं दिया, इस प्रकार के भारतवर्ष को मैंने देखा है। ऐसे भारतवर्ष को अंग्रेज गुलाम नहीं बना सकते। ये लाल मेघालय का उद्बोधन उनकी संसद में है। तब एक सांसद ने पूछा, आपको हमने भारत की कमियां ढूंढने के लिए भेजा था कि अच्छा ढूंढने के लिए भेजा था? तब लाल मेघालय कहता है, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। और फिर बोलता है कि इस प्रकार का भारतवर्ष जहां कोई चोरी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, घरों पर ताले नहीं है, कोई भिखंडा नहीं है, ये किस कारण से है? केवल गुरु की महिमा के कारण से इस प्रकार का है। आज गुरु पूर्णिमा भी है, आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई। तो इस प्रकार के गुरु के कारण से, और वो गुरु कहां पर पढ़ाता है? हर गांव के बाहर गुरुकुल है, छोटे से छोटा गुरुकुल 200 की संख्या का है, उसमें विद्यार्थियों को जो उत्तम प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा में जो संस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि उनका भी मानना था पर उनको ध्यान नहीं था कि केवल गुरुकुल में ही संस्कार दिए जाते हैं, अपने भारतवर्ष तो सबसे पहले संस्कार मान के द्वारा दिया जाता है, और वो भूल गए। तो कहता है आगे लाल मेघालय कि हमें जो शिक्षा पत्ती है उस पर कर लगा करके उसको समाप्त करना पड़ेगा और हमें अपनी शिक्षा पद्धति प्रारंभ करनी पड़ेगी। आज लाल मेघालय की शिक्षा पद्धति में पढ़ते हुए हमारे युवाओं ने उसमें भी लाहौर कॉलेज में पढ़ते हुए भी भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराने का प्रयास किया, और युवाओं ने आखिरकार 1947 में देश को आजाद कराया और 1968 में हमारी देश की पहली शिक्षा नीति बनी। दूसरी इस कार्यक्रम का उत्तर करते 86 हो जाता है, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी, लेकिन उसके आगे शिक्षा नीति था। इस बार NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना कहते हुए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाम दिया गया है 2019। जब राष्ट्र का इसमें भाव आएगा तो निश्चित रूप से दोबारा से हमारे गुरु की महिमा जो उसमें गुरुकुल में थी, जिसकी एक आज्ञा पर विद्यार्थी अरुणी जैसा भौम ऋषि के आश्रम में गुरु जी रात को कहते हैं बारिश बहुत है, बारिश हो रही है, ये बारिश बहुत हो रही है, जाकर धान के खेतों में देखो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब आरुणी जाकर के देखता है कि उस खेत में एक खेत की मेल टूटी हुई है और पानी बह रहा है, चावल के पानी से यदि सारा पानी बह जाएगा खेत से तो चावल नहीं हो पाएगा, तो आरुणी ने बहुत प्रयास किया मिट्टी लगाकर रोकने का। जब उसके पास कोई समाधान नहीं बचा तो स्वयं ही उस टूटी हुई जगह पर ले गया और उस खेत का पानी बचाया केवल उस गुरु की आज्ञा पर। तो इस प्रकार का गुरु वंदन, छात्र वंदन, अभिनंदन कार्यक्रम हमारे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, जन्म से अंधे थे, मूल शंकर नाम का एक बालक आया और उसने दरवाजे खटखटाया तो स्वामी विवेकानंद जी पूछे कि कौन है? बोला महाराज यही पूछने के लिए तुम आया हूं, मैं कौन हूं? और बाद में गुरु शंकर स्वामी विवेकानंद जी के अष्टाध्यायी अध्ययन के बाद स्वामी कौन बने? स्वामी दयानंद बने। और
इस देश को वेद का ज्ञान दोबारा से दिया। गुरु ही है जो ये धर्म है और ये बालिका ही बैठी है, तो हमें ध्यान में करना पड़ेगा कि गुरु है उससे पहले परिवार का संस्कार मां देती है। अपने घर में बच्चे की जीत पर बुरा ही लिखती है शहर से, दूसरा कोई नहीं लिखता, उसी को राइट किया गया है, अधिकार उसे ही है। तो मां ही पहले संस्कार देती है, लेकिन आज जो हमारा कामकाजी है गुरु भी है वो भूल जाती है, घर के काम निपटाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देती है। ये दो संस्कार रहे तो इससे गले मेरा पीछा छोड़, तो पीछा छोड़ने का तो गुरु का जो गुरु होमवर्क चेक करने के लिए बच्चे को बैग को छेड़ेगा तो फिर बच्चा चक्कू ही मारेगा, दूसरा उस वक्त इलाज नहीं है। क्योंकि संस्कार को ना माने दी ना गुरु ने दिए, विद्यालय का काम था उन संस्कारों को निखार करके विश्वविद्यालय का संपूर्ण विकास करना, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक विकास करना गुरु का काम था। लेकिन गुरु कोई बुजुर्ग कम है, क्लास में गए और पढ़ाया और चले, उसको ये बात मान करके ये मेरे बच्चे हैं, मेरे एक गोद लिए बच्चे हैं, इनको मैं कोई एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए कोई चीज एक्स्ट्रा भी बता दूं देश के बारे में, वो गुरु के पास समय नहीं है, माँ के पास भी समय नहीं, गुरु के पास भी नहीं, मैं संस्कार कौन देगा। तो इसलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसका नाम बदल करके हमारे निवेदन किया था कि उसका बदला जाए, तो उसका नाम क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भाव में फर्क हो जाएगा, बाद में फर्क हो जाएगा, तो उस प्रकार के संस्कार हम दोबारा से यही गुरु जो बैठे हैं दे पाएंगे और अपने बालकों का पूरा विकास कर सकेंगे। आज बिल गेट्स के पास कौन है, हमारे विद्यार्थी है, उसको कौन आगे लेके जा रहा है, अमेरिका में किसी को इलाज कराना है तो भारतीय डॉक्टर को ढूंढता है, अमेरिका डॉक्टर को नहीं ढूंढता, क्योंकि भारतीय डॉक्टर से उसको तसल्ली है, ठीक दवाई देगा, हजार भी पूछेगा, नब्ज भी देखेगा, और वहां का डॉक्टर तो लिखेगा वो लिखता जाए बोलेगा नहीं गूगल की तरह बैठा हुआ है, और जाके दवाई लेगा, मेडिकल वाला बता रहे सुबह शाम लिख ले जाओ, लेकिन भारतीय डॉक्टर जो है हाल पूछेगा ठीक हो, उसी में आधा बंदा ठीक हो जाता है। आज भारत का डॉक्टर दुनिया में पॉपुलर है, आज भारतीय सैनिकों का दम तो आपने देख लिया और सैटेलाइट की दुनिया में भी देख लिया, चंद्रयान किसी कारण से नहीं छुप पाया, लेकिन हमने भाई अजय ठाकुर जी ने बताया कि हमने फिल्म से कम में भी सैटेलाइट बना के दिखा दिया, तो सब भारत का हस्ती परंपरा है, भारत का सरकार हस्ती कामयाब हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा सैटेलाइट करना काम गुरु का है। एक बार शिवाजी महाराज को समस्त गुरु रामदास जी के पास घूम रहे थे और समस्त गुरु रामदास जी गुरु थे उनके, उनको ध्यान में आया कि इस सेवा को कोई घमंड है, फिर शिवाजी कहता है मेरा क्षेत्र आज दूर दूर तक हो गया है और ये सब जो जनता है मेरे दम पर बन रही है। तो समस्त गुरु रामदास शिवाजी को घुमाते घुमाते पहाड़ की तरफ ले करके वहां एक पत्थर पड़ा था, तो शिवा इस पत्थर को तोड़वाओ, मतलब गुरु जी क्या करना है घूम रहे हैं, तोड़वाओ सही पत्थर को तोड़ा तो उसे दूसरे छोटी सी खोखर निकली और उस खोखर के छोटा सा मेंढक निकला, और गुरु जी ने इतना ही कहा कि शिवा इसको भोजन कौन दे रहा था, तो शिष्य को अपनी गलती समझ आ गई कि जो मैंने गलती की थी, मैंने जो सोचा था कि ये जो बच्चा है मैं इसको भोजन नहीं दे रहा हूं, तो जिसको बनाया भगवान उसको भोजन देता है, वो अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, हर बालक जीनियस है, ये अध्यापक ये मान करके गुरु ये मान करके चले जाता है। करते हुए भूमिका नहीं बना रहा, मैं ना नाम ले रहा हूं, सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात बच्चों के लिए खास तौर पर रखना चाह रहा हूं। हमारे अंदर कोई हीन भावना ना आए, विद्यार्थी परिषद बहुत मेहनत करके आगे पढ़ रहा है, शिक्षा नीति में भी डॉक्टर जगवीर जी ने हमें बताया है बदल हो रहा है, अच्छी शिक्षा नीति बन रही है, वो लागू होगी ही होगी, लागू हो चुकी है, ये मानना चाहिए। बड़े पुराने पुराने अनुभवी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एवैतनिक कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, शिक्षा नीति बनाते हुए उसमें सहयोग कर रहे हैं,
नीलामा जी बता गीता स्कूल में वर्षों तक प्रिंसिपल रहे, ऐसे जिनका नाम है रावल जी है दिवाली से, वो सब सहयोग कर रहे हैं और एक नाम है उन लोगों का। तो शिक्षा नीति में बदल हो रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बच्चों से मैं बात करना चाह रहा हूं। एक गडरिया भेड़ बकरियां चराने के लिए जा रहा है, कहां जाता है जंगल में, वहां एक गुरुकुल है वो देखते हैं लोग, कोई दो घोड़ों के बग्घी पर आ रहा है पढ़ने के लिए, कोई घोड़े पर आ रहा है, कोई बैलगाड़ी में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, उस गुरुकुल में पढ़ाई हो रही है, गुरु जी पढ़ा रहे हैं। एक दिन उसके मन में आया कि मैं भी गुरु जी से पूछूं, मेरे वो पढ़ा देंगे। तो पहुंच गए गुरु जी के पास, दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी मेरे पास कोई पैसे पूसे तो है नहीं, मैं तो बकरी का दूध आपको पिला सकता हूं, क्या मेरे को शिक्षा दे देंगे? तो गुरु जी उत्तर देते हैं, क्यों नहीं भाई, दूध भी नहीं पिलाएगा तो भी शिक्षा देंगे, शिक्षा सबके लिए होती है। तो चले मैं कब से आऊं, बेशक अभी से बैठ जाओ। बैठ गए, पहला दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन पूरा हुआ, एक हफ्ता पूरा हो गया, वो बकरियां और भेड़ जो थे वो ला करके छोड़ देता और शाम को छुट्टी होती उनको इकट्ठा करके ले जाता, उनका पुश्तैनी धंधा था। तो 7 दिन के बाद गुरु जी ने उससे पूछा, जो पाठ दिया था अभी 7 दिनों में याद हुआ कि नहीं, लेसन याद किया कि नहीं किया? सुना तो याद नहीं था। ऐसे 5 विद्यार्थी थे जिनको याद नहीं हुआ, उनमें से एक वो गडरिया बाल था। तो गुरु जी ने मैंने की एक छड़ी मंगवाई और बहुत जोर जोर से मारा, 4 बच्चे बहुत रोने लगे, 1 बच्चा वो नहीं रोया गडरिया था। जाकर के बैठ गए अपनी जगह, गुरु जी हंस देखा, जानते थे, उन्होंने कहा मैं देखूं तो सही इनके किस्मत में पढ़ाई भी है कि नहीं, इनके भाग्य में पढ़ाई है कि नहीं। तो जैसे उनको बुलाया बच्चों को, देखा 4 पर के तो रेखा ठीक है, पढ़ाई की विद्या की रेखा है, गठरिया जो है उसकी रेखा नहीं, जो रोया भी नहीं। तो बड़ा भोला फल दिखाते हुए गुरु जी ने तो ये कहा कि तुम भाई कल से